ये आपकी नई नवेली महारानी का ना हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उस दिन की मार कुटाई से भी कोई सबक नहीं सीखा इसने। अब क्या कर दिया नेकबख्त ने? सहन की झाड़ू लगाने जाती है तो घंटों लगा देती, और घर के काम तो चुटकियों में ये जा वो जा। वैसे भी घर के काम करते हुए मौत आती है उसको। कहना क्या चाहती हैं आप? मुझे क्या कहना है, बस यही कि मोहल्ले के नौजवान लड़कों से आंख मटक्का करती फिर रही है। हर वक्त शक, हर वक्त तफ्तीश, बगैर किसी सबूत के किसी पे इल्जाम लगाना गुनाह होता है। सच बताएं, आपने अपनी आंखों से देखा है ऐसा कुछ? बस मेरी जबान का तो आप भरोसा करते ही नहीं। वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी, आप ठहरे बुढ़े खुसट, और मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, ऊपर वालों का लड़का नौजवान लगभग उसी की उम्र का है। कारोबार के सिलसिले में आप 10 बार घर से बाहर जाते हैं, और मैं तो घर की दहलीज लांघती नहीं हूँ। कल को कोई गुल खिला के आ गई ना तो मुझसे मत कहना। अल्लाह ना करे। देखें, आपकी छोटी बहनों जैसी है वो, ख्याल रखा। खबरदार, हमारी छोटी बहनें ऐसी नहीं है। चाय पी लें, अभी घर में ही है। हाँ। सुनो, एक कप चाय बना दो। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने और हो गया नहीं, लेकिन अब बात बर्दाश्त से आगे जा चुकी है शेर जमान। देखो, ये उन दोनों का आपस का मामला है। बच्चे छोटी मोटी बातों पर उलझते रहते हैं, हमें इन मामलों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये मेरी इकलौती और लाडली बेटी की जिंदगी का मामला है, और इस मामले को मैं संजीदगी से जरूर लूंगा। मरे चौधरी, मैं भी बहुत सारे मामलात को संजीदा ले सकता था, लेकिन मैंने हमेशा दरगुजर से कहा। रिश्ता तय होने के बाद भी मेरे बेटे की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके हवाले से बहुत सी बातें फैलाई गई, और हमारी इज्जत को नुकसान पहुंचाकर किसे फायदा दिया जा रहा है हम ये भी जानते हैं। तो फिर ये भी जानते होंगे कि इस रिश्ता तय होने में सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा हुआ है मलिक। मत भूलो, हमने कई इलाकों से अपने उम्मीदवार महज इसलिए विड्रॉ करवाया ताकि तुम्हारे खड़े हुए बंदे जीत सके। बस यूं समझ लो कि चंद सालों बाद अगर तुम्हें कुछ सीटें मिलने वाली हैं तो वो भी हमारी बदौलत। अच्छा रिलैक्स करो, तुम्हारे घर पे आया हूं, चाय तो पिलवा दूं। देखो, चंद दिनों में शादी होने वाली है, और मैं नहीं चाहता कि इस मौके पर मजीद गलत फहमियां पैदा हो। मैं खुद दिलावर से बात करूंगा, वो हूरिया से आके माफी मांगे, ठीक है? अच्छा चाय तो पिला दो। अंदर आ जाओ।